नया काम सीखता है वेल्डिंग लाइन में, कोई जो भाई कंपनी के अंदर काम करता है, कोई भी जगह पे काम करता है, कोई हाथ में आपको पकड़ के आपको वेल्डिंग नहीं सिखाएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई का वार्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर ज़्यादातर वेल्डिंग रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। जो भाई को वेल्डिंग नहीं आता, जो भाई वेल्डिंग के लाइन में नया काम पे आ रहे हो, वो भाई लोग के लिए इस वीडियो में हम कुछ टिप्स देंगे, कुछ बात बताएंगे। आपको खुद से आपको वेल्डिंग सीखना है तो पूरा आप इस वीडियो में बने रहे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे हम वेल्डिंग करते हैं। और आपको कुछ जो सिस्टम है वो सिस्टम अगर आप फॉलो करोगे तो आपका वेल्डिंग 100% सही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो होल्डर है आपको कैसे पकड़ना है, फर्स्ट जो ये होल्डर के ऊपर आपका डिपेंड करता है आपका वेल्डिंग कैसा होगा। तो आपका होल्डर पकड़ने का, रॉड फिटिंग करने का कुछ तरीका है, आप अगर जान जाओगे तो आपका वेल्डिंग 100% सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको वेल्डिंग रॉड लगा के दिखाते हैं कैसे होल्डर के अंदर वेल्डिंग रॉड लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जो है होल्डर, अगर आप राइट हैंड हो तो आपको ऐसे पकड़ना है, और ये जो लीवर है आपका लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ और लीवर जो है मेरा लेफ्ट साइड में। ये मैंने वेल्डिंग रॉड ले लिया, ये 10 नंबर का 6013 वेल्डिंग रॉड है, इसको हम लगाएंगे और इससे हम वेल्डिंग करके आपको दिखाएंगे। और मशीन का करंट कितना रहना चाहिए इस रॉड को जलाने के लिए, सब इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो फर्स्ट ये जो होल्डर है, वेल्डिंग रॉड है, इसको ऐसे लगाना है। ये जो लीवर है इसको प्रेस करके इसको लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए ये जो वेल्डिंग रॉड हमने लगाया है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत भाई करता है क्या ऐसा, जो वेल्डिंग रॉड जो मेरा होल्डर सीधा है और यही एंगल पे वेल्डिंग रॉड बहुत भाई लगा के ऐसा वेल्डिंग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा वेल्डिंग करते हैं। तो आपको अगर सही वेल्डिंग करना है तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा वेल्डिंग रॉड को ऐसे टेपर करके लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे टेपर करके लगाने के बाद आप अगर वेल्डिंग करोगे तो आपका वेल्डिंग पूरा बैलेंस में आएगा और बैलेंस के ऊपर आपका वेल्डिंग सही होगा। ठीक है, आपका तेरा तेरा बाका ऐसा वेल्डिंग नहीं होगा। आप जब वेल्डिंग कर रहे हो, आपका वेल्डिंग जब करने के टाइम आपका रॉड जल रहा है, आपका रॉड जलने के टाइम आप ज़्यादा सांस नहीं लेना है आपको। अगर आपका स्ट्रेट वेल्डिंग है, लॉन्ग वेल्डिंग है, आपको सांस ज़्यादा लेना नहीं है। आप ज़्यादा सांस लोगे तो आप धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे सांस, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा सांस लोगे तो आपका बॉडी और उस टाइम आपका वेल्डिंग खड़ा है, आपका वेल्डिंग तेरा हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, जब करके सांस लेना है आपको, हाथ को पूरा स्टेबल रखना है। ठीक है, पूरा हाथ को ज़्यादा हिलाना नहीं है, आपका जैसा वेल्डिंग का तरीका है आप वैसे ही कहिए, लेकिन आप ज़्यादा हाथ में हिलाइए, आपका बॉडी मत हिलाइए। ठीक है, नहीं तो आपका वेल्डिंग ख़राब हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप सांस लो, आपका वेल्डिंग सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम वेल्डिंग करके दिखाएंगे। ये दोनों रॉड हमने जॉइंट करके रखा है, इसके ऊपर आपको वेल्डिंग करके, रनिंग वेल्डिंग करके दिखाएंगे और कैसा वेल्डिंग आता है, फिर आपको पैडर जो होता है उसको उठा के आपको दिखाएंगे। ठीक है,